निवडणुकीच्या तोंडावर पोलीस प्रशासन व्यस्त असताना गुन्हेगार हे पोलिसांची डोकेदुखी वाढवताना दिसत आहे शहरात हत्येच्या घटना थांबता थांबेना अशातच शांतीनगर परिसरातील यादव कॉलनी येथे मध्यरात्री चाकू भोसकून युवकाची हत्या केल्याची घटना घडली आहे पैशाच्या वादातून हत्या करण्यात आल्याचं निष्पन्न झालं कुख्यात गुंडांनी चाकू मारून हत्या केली विजय चव्हाण असे मृतकाचे नाव आहे तर सागर यादव व हर्षल आरोपी आहेत घटने सागर लिया सा है शांतिनगर पुलिस स्टेशन में कल रात को विजय चौहान नामक एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी इसमें प्राथमिक जानकारी कि विजय चौहान और जो आरोपी है सागर यादव इनका कल रात को किसी कारण से झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में सागर यादव ने इनको चाकू मारकर उनकी हत्या की थी इस गुने में अभी एक हर्षल नाम का आरोपी अभी अरेस्ट किया गया है और दूसरा जो आरोपी है सागर उसके लिए हमारी टीम से सेवाना हो चुकी है उसको अरेस्ट करने के लिए रिकॉर्ड वाले आरोपी है दोनों के ऊपर बॉडी ऑफ फेंस ऐसे जो कारण है वो तात्कालिक कारण ऐसे सामने आ रहा है एक्चुअली सुजय नाम का एक व्यक्ति और जो आरोपी उनके बीच कुछ पैसे का व्यवहार था तो उसके लिए दोनों बातचीत कर रहे थे और उस टाइम पे सुजय के साथ मृतक भी आया था और उसी टाइम मृतक के और आरोपी के बीच में ही कुछ झगड़ा हुआ और उसके कारण ये हत्या हुई ऐसी लग रहा है वो कितने पहचानते थे वो उसकी बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन वो भी आरोपी के मिलने के बाद ही उसकी पुष्टि हो पाई पुलिस आयुक्त नागपुर शहर श्री सिंगल सर इनके द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार नागपुर सिटी में जो आने वाले इलेक्शन है उनको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर रूट मार्चेस निकाले इसके लिए हमें बी एस एफ सी से आर पी एस की कंपनी भी हमें दी गई थी और सभी पुलिस स्टेशन में भारी मात्रा में हमने फोर्स डिप्लोमेंट और फोर्स शो हमने किया है और उसका काफ़ी अच्छा लॉन्ड ऑर्डर पर इम्पैक्ट भी पड़ा है तो लोगों से यही आह्वान हम करेंगे कि जो कुछ भी इशू का इलेक्शन रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो कुछ भी अवैध धंधे के कुछ भी इशू हो तो आप पुलिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस बिल्कुल इसमें कॉर्नर मीटिंग्स हमारी डेली चल रही है तो कॉर्नर मीटिंग्स के ऊपर भी हमारा इसमें फोकस है तो कॉर्नर मीटिंग्स के जरिए हम लोगों से बातचीत करें उनको क्या समस्या है क्या इश्यूज़ है तो लोगों के और पुलिस के बीच कम्युनिकेशन भी अच्छा इसमें हो रहा है तो एक अच्छी इसमें एक इनिशिएटिव पुलिस द्वारा ली जा रही है क्या मन रहेगा कि कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो चौबीस घंटे हम अवेलेबल हैं हमारे मोबाइल नंबर सबके पास है तो आप कभी भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप हमें शेयर कर सकते हैं आपका आप जो डिटेल्स है हम वो सिक्रेटर के आ जाएगा इसमें